मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार को खुलेआम ऑन कैमरा जिंदा लहरा देने की दी धमकी। बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार डरे सहमे हुए हैं। डिप्टी मेयर चिंता देवी ने जिंदा लहर देने की दी है धमकी। भाजपा अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष देवानंद पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी। गया शहर के सर्किट हाउस में भाजपा अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष देवानंद पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दिया। बिहार के मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रेम कुमार डरे सहमे हुए हैं, खौफ की जिंदगी जी रहे हैं। इसका मुख्य वजह है कि गया नगर निगम की डिप्टी मेयर चिंता देवी ने विगत दिन गया नगर निगम कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के समक्ष बिहार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार को खुलेआम ऑन कैमरा जिंदा लहरा देने की धमकी दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गया शहर के 8 बार के अपराजित विधायक और कई विभाग के बिहार सरकार के मंत्री रह चुके बिहार के राजनीतिक जगत के हस्ती के साथ बिहार के लोकप्रिय नेता डॉक्टर प्रेम कुमार को गया शहर में देखने के पर जिंदा लहराने की बात कही है। इस तरह से मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार डरे सहमे हुए हैं और खौफ की जिंदगी जी रहे हैं, गया आने से परहेज कर रहे हैं। इस तरह से गया नगर निगम के 53 वार्ड क्षेत्र में आती है। इस तरह से डिप्टी मेयर चिंता देवी पूरे नगर निगम के क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करती है। डिप्टी मेयर गया शहर में कहीं भी प्रेम कुमार दिखाई देंगे तो जिंदा जलाने की बात कही है। इस तरह से हम सभी लोग खौफ की जिंदगी जी रहे हैं और गया के वरीय पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक और नगर पुलिस उपाधीक्षक से मांग करते हैं, ऐसी मानसिकता के लोग हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं, ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। नगर निगम के द्वारा और नगर निगम में जो डिप्टी मेयर चिंता देवी जो हैं, उन्होंने कोई बात नहीं है, जो जेन्युइन बात है उसी बात को बिहार सरकार के मंत्री और नगर के विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार जी ने रखने का काम किया था। उस पे कितना बड़ा इनको गुस्सा है, ये बोलती हैं कि हम उन्हें जिंदा जला देंगे। अरे आप समझने का कोशिश कीजिए डिप्टी मेयर के, इनके बारे में आप क्या कह रही हैं। ये सूरज को फूक जो बिगने का काम करी है, वो प्रेम कुमार जी को जलाने की बात आपने नहीं बोला है, सूरज पे थूकने का काम किया है। और वो थूक जो है सो आप पर पड़ेगा, और जिन लोगों के इशारा पर आप चल रहे हैं ना, उन लोग को भी समझना चाहिए। हम भारतीय संविधान का स्वागत करते हैं और भारत की संविधान को हम बहुत ही सराहना करते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मैं नमन करता हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में इसलिए कम पढ़े लिखों लोगों को भी सदन में जाने का और प्रमुख प्रमुख पदों पर किया था कि उन्हें समाज में कुछ सीखने का मौका मिले और समाज उन्हें प्रतिष्ठा के दृष्टि से देखे। इसलिए नहीं किया गया था डिप्टी मेयर कि कम पढ़े लिखे लोग जो जी में आए वो बोल करके और निकल जाए। मैं आज इस यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से घोषणा करता हूँ कि मैं वहीं हूँ, उन लोगों पे मैं स्वयं जो जिंदा जलाने का बात जिन्होंने कहा है मैं उन पे FIR करूंगा, यह मैं निश्चित रूप से आप लोग को बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम देवानंद पासवान, भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति मोर्चा की जिला का अध्यक्ष हूँ।